पीएके भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। अब हमारा भारत बहनों भाइयों कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि दुनिया का यह ताकतवर देश बन चुका है। हम दुनिया के किसी देश को कभी आंख दिखाते नहीं, लेकिन भारत को यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत इस समय भारत के अंदर। वंदे वंदे। हम लोग के बीच में उत्तर प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी गर्वाट मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं मन से इस लखनऊ की जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय योगी जी का आप सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। आपने साथियों एक विराट व्यक्तित्व, एक कर्मठ व्यक्तित्व, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, यही एक मेरिट उनके लिए काफी है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इस पूर्व विधानसभा में स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और लखनऊ महानगर के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी से आग्रह करता हूँ कि वह पुष्प गुच्छ दे करके हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी को उनका अभिवादन करें। आदरणीय आनंद जी, और मैं आग्रह करूंगा विधान परिषद सदस्य आदरणीय मुकेश शर्मा जी से कि वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ दे करके उनका अभिनंदन करेंगे। साथियों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। वंदे मातरम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम। भारत माता के, भारत माता के। साथियों स्वागत का क्रम यही समाप्त हुआ। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, परम श्रद्धेय माननीय राजनाथ सिंह जी से कि वह अपने आशीर्वचनों से हम सभी लोगों को अभिषिंचित करने की कृपा करें। माननीय रक्षा मंत्री जी, भारत माता की। आवाज पीछे पहुंच रही है हमारी, आवाज पीछे पहुंच रही है। मेरे भाइयों, मैं आज बैठकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पैर में आंध्र प्रदेश में चोट लग जाने के कारण खड़े होकर बोलने में कठिनाई हो रही है। इसलिए अपना घर है तो मैंने सोचा कि यहाँ पर हम बैठकर बोलें, चाहे जैसे भी बोलें, घर में किसी भी प्रकार से बोला जा सकता है। इसलिए बैठकर ही मैं आप लोगों के सामने अपना विचार व्यक्त करूँगा। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु जी त्रिवेदी, सांसद बाप और श्रीमती सुषमा खरकवाल, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी, संरक्षण यहां नहीं करना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आप सबके सामने विस्तार में लंबी बातचीत करेंगे। हमारा तो बराबर यहाँ के लोगों के साथ संवाद होता रहता है, व्यक्तिगत स्तर पर भी हमारा आपके साथ संवाद होता रहता है, सामूहिक रूप से भी आपके साथ हमारा संवाद होता रहता है। लेकिन आज मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, जो चार चरणों के चुनाव इस देश में हुए हैं उससे यह बात निकल कर आ रही है, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन विश्लेषकों का भी यह दावा है कि 400 से पार इस बार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सफलता प्राप्त करने जा रही है। बहनों भाइयों, इस समय किसी प्रत्याशी की उतनी अहमियत नहीं है जितनी की अहमियत हम लोगों के लिए है कि देश का मस्तक दुनिया में कौन ऊंचा कर सकता है। पिछले 10 वर्षों का हमारी सरकार का जो इतिहास है, उस इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे तो सहज रूप से सच्चाई को स्वीकार करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम किसी शख्स ने किया है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। पहले अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को वो सम्मान प्राप्त नहीं होता था जो होना चाहिए, भले ही हमारी जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास क्यों न हो। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था,
तो हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए। दुनिया लेती नहीं थी, मानकर चलती थी। भारत एक कमजोर भारत है, भारत एक गरीब भारत है, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह धारणा पूरी तरह से बदल चुकी है मेरे बहनों भाइयों। और आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। दुनिया में भारत अब एक कमजोर भारत के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि यह दुनिया में हमारा भारत एक ताकतवर भारत के रूप में जाना जाता है। पहले यह लोगों की धारणा बनी हुई थी कि यदि दुनिया की बड़ी ताकतें भारत के साथ छेड़छाड़ करेंगी तो भारत के पास वह कुवत नहीं है, भारत की वह हैसियत नहीं है को उनका मुकाबला कर सके। लेकिन आज मैं दावे के साथ देश का रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, अब हमारा भारत बहनों भाइयों कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि दुनिया का यह ताकतवर देश बन चुका है। हम दुनिया के किसी देश को कभी आंख दिखाते नहीं, दुनिया के किसी देश को हम आंख दिखाते नहीं है, लेकिन भारत को यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत इस समय भारत के अंदर। लेकिन हमारी केंद्र की सरकार को बराबर लोगों के द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। निराधार कोई आधार उसके पीछे नहीं है। कहा जा रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर देगी। बहनों भाइयों, हमारी ही सरकार है जिसने आरक्षण की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक अधिकार देने का काम पहली बार किसी सरकार ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व के हमारी सरकार ने किया है मेरे बहनों भाई। इतना ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको भी 10% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया। लेकिन जनता की आंखों में धूल झोंक कर यह जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, मेरा मानना है सार्थक राजनीति करनी है तो सार्थक राजनीति जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं की जा सकती। सार्थक राजनीति यदि करनी है तो जनता की आंखों में आंख मिलाकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है। इन लोगों ने अजीबोगरीब हालात पैदा कर दिए। कहते हैं कि यदि मोदी जी को 400 से अधिक सीटों पर भी विजय प्राप्त हो जाएगी देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आप कभी जानते हैं इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। श्रीमती इंदिरा गांधी संसद का चुनाव हारने के बाद उन्होंने देश के ऊपर इमरजेंसी थोप दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी, लाखों लाख की संख्या में लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया, कई सरकारों को भी उन्होंने भंग कर दिया। मैं खुद भी उसका एक शिकार हूं मेरे बहन भाइयों। मेरी उम्र उस समय 25 साल की थी। मुझे भी उठाकर 18 महीने तक जेल में रखा गया, यहां तक कि 2.5 महीने मुझे तन्हाई में भी रखा गया है। मेरी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद भी उसके दाह संस्कार में भाग लेने के लिए पेरोल तक जिस सरकार ने नहीं दिया उस ऐसी तानाशाह सरकार की, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आज वो कांग्रेस पार्टी हम लोगों को कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई, मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो लोकतंत्र संकट में पड़ जाएगा। बहनों भाइयों, केवल आपको गुमराह करके यह आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं राजनीतिक पार्टियों को कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति यदि की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। और आज यदि मैं आप लोगों से वोट मांग रहा हूं, केवल इसलिए नहीं राजनाथ सिंह सांसद बन जाएंगे, ओपी श्रीवास्तव विधायक बन जाएंगे, कोई बहुत बड़ा करिश्मा हो जाएगा। वोट हम इसलिए मांग रहे हैं, हम देश को बनाना चाहते हैं, सारी दुनिया में हम भारत का मस्तक ऊंचा करना चाहते हैं। यह हमारी दिली ख्वाहिश है। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम आपसे समर्थन चाहते हैं। अभी एक सज्जन जेल से छूट कर आए, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से छूट कर आए हैं। आपने देखा
उनके जेल से छूट कराने के बाद उन्हीं के घर में उन्हीं की महिला की सांसद के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। और ये लोग देश चलाने का दावा करना चाहते हैं, तरह तरह की गलत वहमी पैदा कर रहे हैं कि मोदी जी चुन गए तो ताना साहब बन जाएंगे। बहने भाइयों, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी लोगों को धोखा दिया है। अन्ना हजारे साहब के साथ आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में शामिल थे। अन्ना हजारे साहब ने इनके आग्रह के बावजूद कहा कि किसी भी सूरत में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी, नहीं तो हमारे आंदोलन की सुचिता पर स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अन्ना हजारे साहब की इन्होंने बात नहीं मानी। जो भी ख्याति अर्जित की है इन्होंने, अन्ना हजारे के कारण ख्याति अर्जित की है। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में तरह तरह की लोगों के अंदर गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, जब भी कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आई है, लोकतंत्र का गला इन लोगों ने घोटा है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को सशक्त बनाने वाली एक राजनीतिक पार्टी है, लोकतंत्र को प्रभावी बनाने वाली यह राजनीतिक पार्टी है। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, ये तो ने यह भी कह दिया कि पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में, पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अनाप शनाप बातें किया करते हैं। बहनों भाइयों, हमारी सोच साफ है, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमसे अलग नहीं करती। तीन साल पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मैंने कहा था, यह कहा था मैंने, पीएको को कब्जा करने के लिए आक्रमण करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि पीओके के लोग स्वयं मांग करेंगे कि हम अपना विलय भारत में चाहते हैं। बहनों भाइयों, और आपने देखा होगा कि आज कमोवेश इस प्रकार की परिस्थितियां वहां पर पैदा हो रही है। मैं तो आज इस मंच से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी कहना चाहूंगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, यह देखे पाक अधिकृत कश्मीर में किस तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर के नागरिकों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। मेरे भाइयों, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा था और है और रहेगा और भारत में शामिल होकर रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहां तक क्षेत्र के विकास का प्रश्न है, क्षेत्र के विकास का प्रश्न है। सांसद होने के नाते जितना बन पड़ा है कि भाई एक मिनट शांत रहो, इस क्षेत्र का विकास का जहां तक प्रश्न है, एक सांसद होने के नाते जितना भी मैं कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश की है। और आपने देखा होगा कि पहले भी जब 2014 का चुनाव लड़ रहा था तब भी लखनऊ की जनता से हमने कोई वादा नहीं किया था, 2019 के चुनाव में भी लखनऊ की जनता से हमने वादा नहीं किया। बार बार लखनऊ की जनता को मैंने यही कहा था, आपका हमें स्नेह प्राप्त होना चाहिए, आपका हमें संबल प्राप्त होना चाहिए, आपका हमें आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, ताकि आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर मैं पूरी तरह से खरा उतर सकूं। जितना बन सका है बहनों भाइयों करने की मैंने कोशिश की है। और आज मैं कह सकता हूं कि विकास की दृष्टि से यदि देखा जाए तो दुनिया के टॉप 10 सिटीज में हमारा यह लखनऊ आ चुका है। और जो कुछ भी विकास हुआ है, यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इसमें हमारे मुख्यमंत्री वाली योगी आदित्यनाथ जी का पूरा योगदान है, भरपूर सहयोग। जब भी किसी भी प्रकार के सहयोग की बात हमने की होगी, योगी जी ने बराबर वह सहयोग किया। और इनके नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश भी कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रदेश का बच्चा बच्चा यह महसूस कर रहा है। जहां तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, आप सभी जानते हैं
आज उत्तर प्रदेश के सारे गुंडे बदमाशों के हौसले पस्त हैं मेरे बहनों भाइयों, और किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना, और उसको करने में योगी जी ने पूरी कामयाबी हासिल की है। और मैं समझता हूं सभा के द्वारा भी एक बार योगी जी का तालियां बजाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए, कोई छोटा काम नहीं किया। विकास का जहां तक प्रश्न है, केवल हम ही लोग नहीं कह रहे, आर्थिक विश्लेषक भी यह मानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वह पोटेंशियल है कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकती है, यह पोटेंशियल है। और योगी जी ने भी यह संकल्प ले रखा है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम इसे बनाएंगे। बहनों भाइयों, आप सबका समर्थन चाहिए। ओपी श्रीवास्तव इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, और बराबर सामाजिक क्षेत्र में इसके पहले भी वह काम करते रहे। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप कुर्ता भी हमको पहनाइए लेकिन पायजामा भी हमको पहनाइए, ऐसा ना हो कि केवल कुर्ते तक ही आपसे मित्र रहे। और आगे के विकास कार्यों के बारे में कुछ कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मुकेश शर्मा ने बहुत ही विस्तार पूर्वक उसकी जानकारी दे दी है। बस आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, देश का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने के लिए आप सभी का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।